कंप्लीट होंगे और जैसा आपने भी देखा होगा आपसे पहले जिस स्पीड से काम हो रहा था और भी इसमें तेजी से काम हो रहा है जी। नाइट में डबल शिफ्ट हो गई है, इनफैक्ट मैं देखता रहता हूँ कि कमिश्नर साहब भी खुद इसमें नाइट को राउंड लगाते हैं और व्हाट्सएप पे सारे मैसेजेस आते रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं अगेन ये बोलता हूँ कि अभी आने वाला एक दो महीना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हो सकता है हमें बहुत सारे रोड बंद करके दिन में भी काम जब एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तो थोड़ी सहूलियत जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। बस एक दो महीने का वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको इंशाल्लाह बहुत बढ़िया आपको ये देखने को मिलेगा और टाइमली कंप्लीट भी हो जाएगा। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिस तरीके से चल रहा है, इसके बाद आने वाले वक्त में क्या कोई और चीज़ें हमें नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी आपको, ना केवल ये G20 की वजह से जो हमारे और जो तेज, देखिए जब हमने स्टार्ट किए थे प्रोजेक्ट जब G20 नहीं था सामने, तो G20 होने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमने और इसमें तेज़ी लाई है, लेकिन इससे बाकी जगह पे जो हमारा ध्यान है वो कम नहीं है, और जगह भी काम चल रहे हैं, केवल G20 ही नहीं उसके अलावा भी बहुत सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और आप तो खुद यहाँ के रहने वाले, आपने भी देखा होगा कि कितना जो है यहाँ पे अब काम चल रहे हैं। सर, स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, काफ़ी अर्से से उनका कभी जो प्रदर्शन भी होता है, प्रोटेस्ट भी होता है, तो उनके लिए क्या कुछ आने वाले दिनों में सोचा जाएगा, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि काफ़ी अर्से से चल रहा है। देखिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए टाउन वेंडिंग कमेटीज वगैरह है, ठीक है, उनके वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन जो है वो कमिश्नर SMC जो है आपको इसको और अच्छे से बता पाएंगे। तो आज तो अभी फिलहाल मैं ये सारे वर्क देख रहा हूँ, एक बार उसको और रिव्यू कर लेंगे और तब आपसे फिर डिमोलिशिंग ड्राइव लगातार चल रही है और आपने भी कल कहा है कि उन लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा या यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ये कहा, लेकिन लिखित में कहीं नहीं है और लिखित में लोग। अच्छा, चलिए पहले मुझे आप एक बार बताइए, आप सब लोग यहाँ पे हो, जो ये एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चलाई वो सही चलाई या गलत चलाई, आपका क्या लगता है? आपको क्या लगता है आप बताओ। सर लोग तो कहते हैं ऑर्डर लिखित में नहीं आया कि गरीबों को। सर देखो, मुझे पहले ये बताइए, ये जो ड्राइव चलाई गई ये ठीक चलाई गई या गलत चलाई गई, मुझे ये बताओ। हाँ, सही चलाई गई। सही चलाई, आपको क्या लगता है? यार पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दो, उन लोगों की बात कर। अरे भाई, पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब दे दो। जी 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 सर। सही चलाई गई गलत चलाई गई पहले ये बताओ। अगर ये बड़े बड़े मगरमच्छों के लिए तो सही है, मगर जो गरीब तबका है उसके लिए कोई राहत नहीं। अच्छा ठीक है, अब आता हूँ दूसरी बात। आप ये तो मानते हैं कि सही चलाई गई, अब गरीब पे आते हैं, क्या आज कहीं गरीब का मकान टूट रहा है कहीं? आपसे पूछ रहा हूँ। भाई मेरे बात तो बताओ, आज टूट रहा है क्या कहीं पे? कल टूटा था क्या कहीं पे? कुछ राहत मिली है? ओहो, बताओ तो सही मुझे। नहीं टूटा ना? दो तीन दिनों से नहीं। परसों टूटा था क्या कहीं से? नहीं टूटा ना? तो जब, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, जब नहीं हो रहा तो नहीं होगा यार। ये तो पता नहीं क्यों हाइप बनाया जा रहा है जबरदस्ती का। क्या कहीं पे ग्रीनरी को लेकर कोई इनिशिएटिव? एग्जैक्टली, ग्रीनरी इसका इंटीग्रल पार्ट है और ना केवल ग्रीनरी जो हम देखते हैं उससे रिलेटेड है, बल्कि जो साइकिल ट्रैक भी यहाँ विकसित किए जा रहे हैं जिससे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है साइकिल से आए या पेडेस्ट्रियनाइजेशन इसका हो जाए, तो ये सब भी कहीं ना कहीं उसी ग्रीनरी का ही ओवरऑल पार्ट है। सर मेरा एक सवाल है, सर ये बताएगा कि अब कुछ ही दिनों के बाद कहा जा रहा है स्कूल्स खुलेंगे सर, तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि 10% हाइक होगी, क्या वाकई में, क्योंकि FFRC के पास कोई ऐसा प्रेसिडेंट चेयरमैन नहीं है अभी, तो हाइक कैसे हो सकती है? भाई मैं इसको अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, मुझे इस इशू के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पहले समझ लेता हूँ फिर आपके सामने आऊँ।